कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा आपने? कितनी उम्र होगी नवाल आपकी? 19 साल। हाँ, 19 साल में तो आपको पढ़ लेना चाहिए था। कौमी तराना याद नहीं करती स्कूल में? पाक सरजमीन शाहबाद पढ़ती है ना जी। हाँ, उसे ज्यादा जरूरी तराना ऊपर नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्यों नहीं पढ़ा? हर बंदा दो नंबरी करके उसी के पास आ रहा है। मैं प्रीटी श्योर 99.9% पाकिस्तानी हैव नेवर इवन रेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत बड़ा मसला है ना। तो आपको आई क्यू समझ आएगा, पाकिस्तानियों का आई क्यू क्या था, हमारे दादाओं का आई क्यू क्या था, दादाओं ने लिखा है ना जी। सो जिसने सीरा पढ़ी हो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ता है, तोते उड़ जाते हैं उसके। सीरा में ये मतलब क्या हुआ, ये कौन सी कौम थी? सर एक ये सवाल था कि एलाए कलीमतुल्लाह, मैंने बहुत जगह लफ्ज सुने, तो उस एलाए कलीमतुल्लाह किसको कहते हैं, या निज़ाम क्या ऐसी चीज इस दुनिया में नाफिज होगी जो कहेंगे कि हाँ अब अल्लाह का निज़ाम कायम हो गया? जब कोई भी उसूल इंफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर चार्टर में लिखा जाएगा और वो उसूल अल्लाह के किताब से डायरेक्टली और नबी इस्लाम की सीरा से डायरेक्टली डायरेक्टली कोइंसाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द आया। फिलॉसफी ऑफ द आया का मतलब है ना पूरी किताब की रूह उस आयत के अंदर हो, उस असूल के अंदर होगी। ठीक है, ये नहीं कि हमने उस आयत में एक ब्रैकेट में देख लिया तो वो एज इज उतार ले, नहीं, द बिगर पर्पज ऑफ द बुक पूरी तरीके रूह पूरी की पूरी आएगी उस। तो हमें अभी भी करारदादे में कासिद हमने रखी हुई है नो लॉ इन पाकिस्तान कुड बी रिपग्नेंट टू द कुरान एंड सुन्ना। Well, yeah, well, that's a good word to write. Good, good statement. Repugnant to the philosophy of the Quran, ye likhna zaruri tha. And or any verse of the Quran, ye bhi likhna tha na. Wo uncle ne likha nahi ye. Theek hai? The philosophy of the Quran kya hai? Uske upar debate karte, bachchon ka bhi IQ badhta, babon ka bhi IQ badhta. Magar nahi, wo superstitious uncles ne, wo taweez gandon wale uncles ne, wo peer fakir wale uncles ne us waqt हाथ में कागज पकड़े हुए थे, जिन्होंने भी ये महकमे पकड़े थे ना, उनमें से कोई एक भी इंटेलेक्चुअली मुस्लिम नहीं था, वो सारे के सारे सुपरस्टिशियसली मुस्लिम थे। उन्होंने फिर ये जुमला काफी समझा कि नो लॉ इन पाकिस्तान वुड बी रिपग्नेंट टू द बुक ऑफ कुरान एंड सुन्ना। ओके, वेल व्हाट अबाउट द फिलॉसफी ऑफ द कुरान सुन्ना? व्हाई डिड प्रोफेसर सुन डू व्हाटएवर ही डिड? व्हाई डिड ही डू व्हाटएवर ही डिड? Now we don't even talk about this. That's called the establishment of Islam and the purpose of a Muslim. That's ironically a minority of intellectuals who actually think that this is the purpose. Majority of the Muslims don't even think this is the purpose anymore. So why would I think ke Pakistan banane wale Muslimanon ke paas ye wo minority thi jo intellectual acumen rakhti thi? Nahi rakhti thi na, manna padega, nahi rakhti thi. वरना ये लिखते थे करारदादे में कासिद ने, वो दे वुड हैव बी अ लिटिल अ लॉट मोर स्पेसिफिक, दे वेंट एब्स्ट्रैक्ट एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इतना स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का है, उनके आई क्यू क्यों थे? 1776 में इतना आई क्यू था जॉर्ज वॉशिंगटन का? रियली? एंड ऑल ऑफ दोस फोर फादर्स ऑफ अमेरिका इतने स्पेसिफिसिटी के साथ उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिख दिया, और हमारा देखें इतना एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, कोई भी जो मर्जी निकाल ले इसमें से, मतलब बार्नम स्टेटमेंट्स ओवर बार्नम स्टेटमेंट्स। तो कहने लगता बेटा, हमारा काम था कि करारदादे मकासिद को रिफाइन करें, ऐसी एक नस्ल पैदा करें जो कहे कि ठीक है यार करारदादे मकासिद ठीक है, ओके वी रिस्पेक्ट दैट, बट वी नीड टू इंप्रूव इट। अल्लाह का हुक्म तो नहीं है ना, अल्लाह की कुरान की आयतें तो नहीं है करारदादे मकासिद, किसी बाबा जी ने लिखी है, कोई बात नहीं, विल इंप्रूव इट। कोई हदीस तो नहीं लिखी हुई, आयत तो नहीं लिखी हुई इसमें, एक डेक्लरेशन है, विल हैव टू इंप्रूव इट। ये एक मुफ्त की परंपरा निकाली भी है कि जो फोर फादर्स ने लिख दिया बस उसको हमने सजदे करते रहना है। फोर फादर्स ने अगर कोई नबी नहीं थे हमारे फोर फादर्स तो फिर ठीक है, इसको इंप्रूव करेंगे हम। एक बंदा भी नहीं आज तक मुसलमान पाकिस्तान में उठ रहा कि भाई करारदादे मकासिद को रीसेट करते हैं, लेट्स इंप्रूव ऑन इट, देयर आर सम क्रिटिकल मिस्टेक्स इन देयर, there is no specificity, we have to be very specific, or even if you want to go abstract use the right terminology here, repugnant to the philosophy of Islam, ye kyun likha, the philosophy which is eminent by the actions of the prophet sallam, ye kyun likha hua, ye nahi likha hua na, quran ka matlab to qadiani bhi quran ko quran se nikalte hain apne qadianism bhi, main kaise aise to nahi main general leta repugnant to the quran and sunnah, sochte na sahi।
we wanted at that debate. I want that debate. Ki, haan, what is the philosophy? But at least likho to sahi kar deta maqasid mein. Har koi aata constitution renew karta hai. Follower hai na. Bone aaye hain. अयूब खान ने जी कॉन्स्टिट्यूशन निकाला है वो करा दादा में काफी पे तो नजर डाल लेता। खैर वो जैकी कैनेडी से फारिग होता तब ना, उसको तो अमेरिका के सदर की बीवी आपको के साथ महफिलें और मजलिसें करनी थी यहाँ पे, उसको कोई और ही शौक थे। अयूब खान तो एक बिल्कुल ही एक शेख रशीद टाइप आदमी था। और उसके बाद दूसरी दफा ये भुट्टो साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन रिन्यू कर, यार तू करा दादे में काशी थी खोल दे, तू बहुत बड़ा वो अपने आप को वो बना रहा लीडर, व्हाई आर यू नॉट आस्किंग द बिगर क्वेश्चन, छोटा ही सोचोगे। मतलब हज़रत जिब्राइल ने तो नहीं लिखी करा दादे में कासिद, क्यों नहीं उसको हम स्पेसिफिक कर सकते, करें ना, नहीं बट नो वन इज़ गोना आस्क दिस क्वेश्चन, नो कर, वेल दैट कैन बी अ डिबेट के ओके साहिल अदीम, वेल इफ यू थिंक फिलोसफी ऑफ इस्लाम इज एक्स एंड वी थिंक फिलोसफी ऑफ इस्लाम इज वाई, देन व्हाट्स गोना हैपन, ओके वेल दैट्स अ गुड डिबेट टू हैपन, बट द वर्ल्ड इज नॉट इवन देयर, द फिलोसफी ऑफ कुरान एंड द फिलोसफी ऑफ सीरा, ये तो लव ही नहीं एग्जिस्ट करता उधर। सो ये तो फिर ऐसे ही होगा। बहरहाल ये तो मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूँ ना, पाकिस्तान की केस स्टडी दे रहा हूँ। सो क्या नाम था आपका? नवाल। नवाल, सो यू अंडरस्टैंड माय ड्रिफ्ट, समझ आ रही मेरी बात? जी हाँ। तो रियल बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करें, दादे मकासिद को सॉल्व करना, बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये छोटे छोटे मसाइल इतने एक एक रुपए की बातों के अंदर फंसे हुए हैं हम सारे। आर्टिकल 2B में ये लिख दिया है, यू नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा आपने? कितनी उम्र होगी नवाल आपकी? 19 साल। हाँ 19 साल में तो आपको पढ़ लेना चाहिए था। कौमी तराना याद नहीं करती स्कूल में? पाक सर जमीन शाद बात पढ़ती है ना जी। हाँ उससे ज्यादा जरूरी तराना ऊपर नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्यों नहीं पढ़ा? हर बंदा दो नंबरी करके उसी के पास आ रहा है। मैं आई एम प्रीटी श्योर 99.9% पाकिस्तानीज हैव नेवर इवन रेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत बड़ा मसला है ना, तो आपको IQ समझ आएगा पाकिस्तानियों का IQ क्या था, हमारे दादाओं का IQ क्या था, दादाओं ने लिखा है ना जी। या सो जिसने सीरा पढ़ी हो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ता है तोते उड़ जाते हैं उसके कि सीरा में ये मतलब क्या हुआ, ये कौन सी कौम थी? हैंडलर्स कहते हैं इसको, हैंडलर्स, अपने अपने हैंडल्स डाले हुए सबने, नाकाबले दस्तंगेजी है पुलिस, कौन? फेडरल के जितने भी, ये सदर है पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, गवर्नर दिस केपी के, क्या है? नाकाबले दस्तंगेजी है पुलिस, पुलिस नहीं पकड़ सकती इसको, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। ये है नवाल, जिस ये इन बाबों को मरने का वेट कर रहा हूं मैं, मगर इनके मरने का फायदा तभी होगा जब इनसे अगली नस्ल इनको इम्प्रूव करने की ठान रही होगी, इनकी गलतियों को मान रही होगी। अगर ये कहें हाँ नहीं जो अंकल ने लिखा है ये कोई दम तो नहीं थे, तो अबू जहल वाला आर्ग्यूमेंट है ना, जो नबी इस्लाम से कह रहे थे ना मेरे दादा बेवकूफ थे, मेरे बाप को कुछ नहीं पता था। हाँ नबी इस्लाम ने कहा हाँ नहीं पता था, तेरे दादा बेवकूफ ही थे, नबी अल्लाह ताला ने कह दिया है। इनकी मिसाल गधों वाली है, इनकी मिसाल जानवरों वाली है। नबी इस्लाम ने आयतें सुनाई इनको कि हाँ यार इसी तरह मरे हैं, जहालत की मौत मरे हैं तेरे दादा भी तेरे बाप भी, तू तो ना मरना। हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा। वो कौन आदमी था? आपको मैं होमवर्क देता हूं नवाज, फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट गाय जिसने ये शिक दिलवाई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मैंने अभी पढ़ के सुनाई है। ठीक है सर, यही तो मसला है कि हमें मतलब ना, हम अभी तक, मैं 19 साल की हूँ ना, मैं दीन के काबिल हूँ और ना ही मैं किसी दुनिया के काबिल हूँ। मतलब घर में भी मैं हूँ मुसलमान घराने से, लेकिन ना मैंने अभी तक सीरत पढ़ी है, ना मुझे कुरान पे अबूर है, कुछ भी नहीं। अब मैं दर से, इवन मेरे अम्मा पापा ने मुझे स्कूल में नहीं डाला और मुझे मदरसे में पढ़ाया कि निज़ाम सही नहीं है और वगैरह, लेकिन मदरसे में 3 साल हो गए मैंने, मतलब हम अब जो खुद पढ़ा हुआ है, साथ वाली जो लड़कियां हैं उनको सहाबा के नाम भी पूरी तरह नहीं आते और सीरत तो पढ़ाई नहीं जाती, तो मतलब कैसे ठीक होगा ये रुख, कैसे ठीक होगा, कहां कब हम सीधी तरफ चलेंगे? एक नवाल चाहिए मुझे जो अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए किताबें शुरू कर दे, और किताबें नहीं शुरू कर दे, पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद वो उसके
लोगों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दे कि आई टेक केयर ऑफ जैसे नहीं क्या अब्दुल सतारी की बीवी का नाम अब्दुल बिल्की सीधी, बिल्की सीधी ने 25,000 बच्चियों का जिम्मा ले लिया ना, बच्चों का, ठीक है, आप 25 का जिम्मा लें, अल्लाह ताला आपको 25,00,000 इंसान दे देगा, 25 लोगों को मैं बचाऊंगी इस जहालत से, और हाथ से पकड़ के जहालत से निकालें, इसको क्लस्टर कहते हैं, क्लस्टर बनाएं, अडॉप्ट करते हैं ना इस तरह बच्चे को, इस तरीके से आपने बड़ों को अडॉप्ट करना है, मुसलमान बड़ों को अडॉप्ट करता है। मैं खुद ही नहीं बची हुई तो फिर मैं दूसरों को कैसे बचा सकती हूं? आप एक बार लोगों का जिम्मा लो मेरा बच्चा, खुदा की कसम लोगों का जिम्मा लोगे, पावर मजबूरन लेनी पड़ेगी आपको, इल्म मजबूरन हासिल करना पड़ेगा, लोगों का जिम्मा ही नहीं ले रही आप, नाम लिखी उन लोगों के, मैंने इनका जिम्मा लेना है, उसके बाद देखिए अल्लाह ताला कैसे रास्ते खोलते हैं आपको, इल्म भी हासिल करना पड़ेगा, स्किल भी हासिल करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं जिम्मा पूरा होगा ना फिर, समझे, अपनी अपनी खेलते रहोगे तो स्किल भी छोटी की रिक्वायरमेंट होगी, दिमाग को पता ही नहीं होगा कि मैंने ज्यादा स्किल लेनी हो, क्यों लेगा, जो एनर्जी जनरेट नहीं होगी, मोटिवेशन आएगी नहीं, इसीलिए तो हाउस वाइफ का टाइटल है ना, पाकिस्तानी आंटी हाउस वाइफ हूं मैं, क्या करते हैं आप, मैं हाउस वाइफ हूं, इसका मतलब पता क्या है, मैं लोगों का जिम्मा लेने वाली औरत नहीं हूं, बस 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बस, वो भी क्या नान नफका, कपड़े बदलवा दिए, बाहर जा रही है, पार्क जा रही है, मैकडोनल्ड जाना है, ये काम हाउस वाइफ का ये मतलब है। मैं जब कहता ना सुनता हूं ना तो क्या करती हैं आप, मैम मैं हाउस वाइफ हूं, उसका मैं एक सेल्फिश औरत हूं, मैं सिर्फ 2 बच्चों का इंतजाम लूंगी, बाकी की दुनिया भाड़ में गई मेरी तरफ से, ये मतलब आवाज आता है मुझे, मैं एक सास को पछाड़ने दुनिया में आई हूं, मैं एक आदमी को पूरी तरीके से कैसे डोरे डाले जाते हैं, सारी उम्र मेरा वफादार रहे, मेरी जिंदगी का मकसद ये है, ब्रैकेट हाउस वाइफ। आपने भी अगर यही यही करना है तो फिर ठीक है, फिर इस्लाम इस्लाम खेलना बंद करें ना, इस्लाम में आना है, शाबाश बेटा, हजारों नहीं लाखों, लाखों नहीं करोड़ों, करोड़ों नहीं अरबों, अरबों नहीं नस्लों, नस्लों नहीं क्यामत तक, स्कोप देखें आपका, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बता दिया, आप सिर्फ अपने से अलावा लोगों का जिम्मा लेंगी, लोग बताएंगे कि नवाज ये वाला सवाल है, किताब खोलनी पड़ेगी जवाब के लिए, ऐसे नहीं काम होगा बेटा, जब तक आउटबाउंड नहीं होंगी काम नहीं होगा, इसी उम्र में बता रहा हूं बेटा, बेटा 19 साल भी लेट हो गई आप, लोगों का जिम्मा लो। छोटे बहन भाई हैं जी? हाँ, तो अल्लाह ने आपको घर में ट्रेनिंग कैंप दिया हुआ है कि कैसे लोगों बच्चों से एम्पथाइज, लोगों से एम्पथाइज कैसे करते हैं, ठीक है, जब इंसान के बच्चे होते हैं ना, छोटे बहन भाई होते हैं, अल्लाह ताला ट्रेन कर रहे होते हैं कि लोगों को, लोगों पर असर कैसे डालते हैं, इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है, समझ गए बात? सर इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर क्या होती है और वो यही है ना बेटा, यही है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, जब करोड़ों की बातें आ गई ना, लाखों की बातें करेंगे आप तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में, बगैर इंटेलेक्चुअल एडॉप्शन के आप करोड़ों नहीं अडॉप्ट कर सकती, लाखों नहीं, हजारों भी नहीं अडॉप्ट कर सकती जब तक आप इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं, समझ रहे, इमोशनल, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते दुनिया के, इमोशनल बातें करते हैं, इमोशनल इमोशंस को हवा देते हैं, मोटिवेट करने का मतलब होता है ना, आपके एपिनेफ्रिन फ्लो करवा दिए, आपके आपके ऑक्सीटोसिन फ्लो करवा दिए, बस इंटेलेक्चुअल कौन होता है कि बाद में गए केमिकल्स बाद में आएंगे, पहले मैं तुम्हारे दिमाग को उस लॉजिकल एरे के अंदर लेके आऊं ताकि तुम क्वेश्चन कर सको, राइट क्वेश्चन पूछवाओ लोगों से, नवाल यू नीड टू मेक पीपल आस्क द राइट क्वेश्चन, नॉट गिव द राइट आंसर्स, ओके, दैट्स इंटेलेक्चुअलिज्म, वो उस्ताद 2 नंबर आया जो सही जवाब बतवा रहा आपको, रटवा रहा आपको, ओके, असली टीचर कौन है जो सही सवाल पूछवा रहा है आपके दिमाग से, ये 2-3 स्टेज भी होती है, इंसान बच्चा बच्चा पूछना शुरू करता है, या आप छोटे बहन भाइयों पर ट्राई शुरू करें, एक्सपेरिमेंट करें, प्रैक्टिस और परफेक्ट करें इसको, उसके बाद बड़े सर्कल पकड़ें, ओके, आप इस तरह के सेशन में पाई गई हैं, इस वक्त आप भी यूट्यूब पे यू नो टॉम क्रूज की फिल्म देख सकती थी, आप इस वक्त रात के 12 बजे सिंपल आर्ग्यूमेंट का सेशन ले रही हैं, इसका मतलब है अंदर केमिस्ट्री आग लगी हुई आपकी, जो बड़ा काम करना है, मैंने तुक्के नहीं लगते हैं, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, इस सेशन में क्यों पाई गई हैं आप, 19 साल की लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, आप समझ रही हैं कि ये छोटा वाक्य है मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा वाक्य है, आप जैसी बच्चियों से वजह से मैं अगले दिन की एनर्जी लेता हूँ कि हाँ यार अगले दिन एक और बच्ची इस तरह की आ जाएगी, यू आर द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम उम्मा, यू कैन बी इफ यू चूज टू बी, You can also choose not to be the future of Muslim Umma and just become another cultural Pakistani ladki. Yeah, okay. Then you are the future of destruction of Pakistan as well.
यू कैन ऑल्सो चूज नॉट इवन टू बी एट दैट लेवल, और सिर्फ एक अपने खानदान में एक खूबसूरत बच्ची, खूबसूरत लड़की, अच्छा शोहर, हैंडसम शोहर, अच्छे पैसे, बड़ी गाड़ी, यू कैन ऑल्सो चूज दैट, इट्स अप टू यू नाउ किस एरे के अंदर अपने आप को प्लेस करेंगे मेरे बेटा। मैं आपसे कह रहा हूं छोटा ना सोच लेना। बड़ा आदमी कौन होता है? जो बड़े दुश्मन से लड़ाई करता है। छोटा आदमी कौन होता है? जो छोटे दुश्मनों से लड़ाई करता है। इसके अलावा कोई बड़े और छोटे की पहचान नहीं है, अल्लाह के यहां भी और कॉमन सेंस के यहां भी। बड़ा आदमी चाहे जो बेटा सुन लो, छोटी उम्र की भी हो और छोटे साइज की भी हो ना, तब भी बड़े दुश्मन से लड़ाई करके बड़ी हो जाओगी, ओके। और बड़े से 8 फुट लंबी भी हो जाओ, अरबपति भी बन जाओ, मगर दुश्मन छोटे रखे हुए तो आप छोटी औरत हैं आप, ओके। चाहे 80 साल की हो जाए, आप छोटी औरत हैं, आपने दुश्मन छोटे रखे हुए। दुश्मन कौन है? दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन इबलीस पकड़ो, देखो उसने कहां कहां पे नफ्सियात पे असर किया, वहां पे जाके पकड़ो लोगों। एट 19 यू शुड नो दिस, ओके, यू कैन नॉट प्ले लो नाउ। सर लेकिन हमारे असातिज़ा क्यों नहीं बताते? यानी हम, मैं हदीस पढ़ी होती हूँ और उसमें जो एक हदीस है कि मोमिन जो है वो दूसरे भाई का जो जिस्म की तरह, और एक जगह दर्द होती है तो उसको भी दर्द होती है। तो लेकिन जब हम इस तरह अपने असातिज़ा से पूछते हैं, जैसे मुस्लिम उम्मा है, वो कहते हैं नहीं, जैसे अफगानिस्तान था अब तो बेहतर हो गया, लेकिन नहीं मतलब हमारे तरफ नहीं हो रहा, तो फिर हमें नहीं चाहिए कि हम उधर, हमारी हुकूमत इजाज़त नहीं देती, हमें नहीं चाहिए कि हम हर जगह हाथ पाँव मारें और घुसें हर जगह। और जैसे हमारी टीचर्स हैं तो वो कहती हैं कि मतलब आपको अपना करना चाहिए, आप खुद बुराई से रोकें और अपने करीबी करीबियों को रोकें। तो मैं जब ये कहती हूँ कि मतलब अगर हम निज़ाम बातिल का, अगर उसको तोड़ने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हम उसका हिस्सा हैं और फिर अल्लाह ताला हमें उसी में शुमार करेगा अगर हम हक के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कहती हैं कि नहीं, अगर आप खुद को रोक लो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में। लो स्टैंडर्ड के लोग हैं, मरवाया पूरी कौम को, बस ये भी कर लो बड़ी बात है, ये भी कर लो बड़ी बात है, ये लो स्टैंडर्ड के लोग हैं, इनसे बच के, ठीक है, मेक श्योर यू आर अवे फ्रॉम देम, यू नो दे आर द रियल मिजिट्स ऑफ फिलोसफी, ओके, रियल मिजिट्स, ये है फलसफे के बोने।